हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है वो है बंजारा मार्केट व्लॉग। सो कीप वॉचिंग। सो अगर आप बंजारा मार्केट पहली बार जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। गुड़गांव में है, सेक्टर 55-56 मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारा होम डेकर का सामान मिलता है, लाइक फर्नीचर, कैंडल, लैम्प या फिर वॉल हैंगिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, वो भी चीप प्राइस में। एंड ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, सो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी जाता है तो कुछ ना कुछ उन्हें अपने मतलब का ज़रूर मिल जाता है। बट हम गए थे सैटरडे संडे, लाइक वीकेंड पे, तो वीकेंड पेस बहुत ज़्यादा रश मिला हमें, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइजेस बहुत हाई रखे हुए थे, लाइक बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए थे, एंड बार्गेनिंग भी आप इतने अच्छे से नहीं कर सकते हो। बट इस बार इतना ज़्यादा अच्छा सामान आया हुआ था, लाइक मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो भी चीज़ें आई हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बंजारा मार्केट में ये सारी चीज़ें भी आएंगी, बट इस बार होम डेकर, वॉल हैंगिंग का इतना सारा और इतना अच्छा था। सो या विदाउट एनी फर्दर डिल्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्रॉकरी का सेक्शन दिखाती हूँ। क्रॉकरी के सेक्शन में जैसे लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब भी ये सारे डिज़ाइन और प्रिंट थे, बट कुछ बहुत ज़्यादा अलग और यूनिक आए थे। लाइक मार्बल प्रिंट आया हुआ था, और जो पिकल वाले जार होते हैं ना उनका तो इतना अच्छा, इतना यूनिक प्रिंट था कि मुझे बहुत अच्छे लगे वो। फिर यहाँ पर प्लेट्स जो थी वो अलग अलग डिज़ाइन की थी, ऑल्दो यहाँ पर ना बारिश हुई थी तो उसकी वजह से ना मिट्टी वगैरह लगी हुई थी, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा सा आराम से अच्छे से ध्यान लगा के देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा। ओके, सो अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो प्राइस थोड़े हाई रखे हुए थे, लाइक एक सिंगल प्लेट 250 रुपीज़, एक मग जो था वो 150-200 रुपीज़। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे, अच्छे से बात करोगे तो मुझे लगता है प्लेट्स 150 तक और मग आपको 170-180 रुपीज़ के मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा सा बार्गेनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी आपको। पता है यहाँ पे थे डिफ्यूज़र्स, लाइक आप अमेजोन में देखते हो वहाँ पे डिफ्यूज़र मिलता है, यहाँ पे आपको डिफ्यूज़र मिल रहे थे। एंड यू नो, आगे तो ये थोड़ा सा महंगे थे बट पीछे ये 20-30 रुपीज़ के डिफ्यूज़र्स दे रहे थे। कैन यू इमेजिन, अमेजोन पे 250 रुपीज़ मिलते हैं और यहाँ पे आपको 20-30। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैंडल्स। सो कैंडल्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बंजारा मार्केट में आएगी, बट इस बार बहुत अच्छा कलेक्शन आया था, लाइक रियली बहुत अच्छा आया हुआ था। लाइक जो कैंडल्स के डिज़ाइन थे वो बहुत प्रिटी थे, लाइक यू कैन सी ये सिल्वर कैंडल है, पूरी मेटल की थी, स्टील की थी। यहाँ पे छोटे कप्स में भी थे, बड़े में भी थे, मतलब बहुत सारे थे, तो मुझे सच में लगा कि या लेना चाहिए। हाँ, ऑल्दो मैंने नहीं लिया, बट स्टिल ये सारे कैंडल स्टैंड्स हैं, छोटे में थे, बड़े में थे, बहुत सारे कैंडल स्टैंड्स भी दिए हुए थे। सो था तो सभी शॉप पे सेम, बट प्राइजेस में बहुत डिफरेंस था। कोई 500 बोल रहा था, कोई 600 बोल रहा था, बट वो लाइक लास्ट टू लास्ट आई थिंक 200-250 तक आपको मिल जाएगा। बट वीक डेज पे जाना, वीकेंड्स पे मत जाना, प्लीज़ मत जाना। ओके, ये वाले जो कैंडल स्टैंड थे ना, ये लास्ट टाइम भी थे, बट इस बार क्या था, ये पूरी पैकेजिंग में थे, इनके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं था, इसलिए इस बार मुझे जाना हुआ वर्थ इट लगा कि ओके, हम यहाँ से कुछ ना कुछ परचेज कर सकते हैं। एंड दे आर लाइक बहुत सारे ऑप्शन से, यू कैन सी दिस वन, ये दिवाली पे यूजुअली लोग कैंडल लगाते हैं छोटी छोटी साइड में, ये पूरा कैंडल स्टैंड है। ये भी मुझे बहुत प्रिटी लगा, लाइक बहुत प्रिटी। महंगा तो बहुत बता रहे थे, लाइक 1500 इसका प्राइस बता रहे थे, बट या बार्गेनिंग करना पड़ेगा। मैंने तो 1500 देख के बोला मैं क्या ही बार्गेनिंग कर पाऊँगी इसकी। ओके, सो नेक्स्ट इज़ होम डेकर प्लांटर्स लैम्प्स एंड मो। सो लैम्प्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक छोटे लैम्प्स भी थे, बड़े भी थे। ये देखा होगा अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंडी है, लाइक लोग तो वहाँ पे पता ये 3-3, 4-4 लेके जा रहे थे। इनका प्राइस अकॉर्डिंगली था, लाइक 2000, 2500, 3000, 3500 अकॉर्डिंगली सब दे रहे थे। ये वुड के कुछ शो पीस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, लाइक आपका घर का थीम अगर थोड़ा विंटेज है तो आप ये ट्राई कर सकते हो।
और होम डेकर में आई रियली लव द होम डेकर दिस टाइम बिकॉज सारे बुद्धा की पेंटिंग्स से लाइक ये तो थोड़ी रस्टेड से लग रही है, पुरानी से लग रही है, बट अभी आप देखना लाइक शो पीस और जो होम डेकर का सामान था ना वो बहुत अच्छा था। द लैम्प्स एंड आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, सो आई रियली लाइक दिस। जो भी अमेजोन पे आपने देखा है फेक प्लांट का जो प्लांटर सा मिलता है वो यहाँ पे भी था, थोड़ा चीप प्राइस में था बल्कि। और होम डेकर लाइक अगर आपको ना थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि मुझे वहाँ जाके लेना क्या है और कहाँ के लिए लेना है, लाइक बस ऐसे आप रैंडमली नहीं उठा सकते हो, यू विल गेट कन्फ्यूज और घर आके यू विल ओनली रिग्रेट लाइक आपने ये चीज़ क्यों खरीदी। तो इट्स बेटर कि आप पहले थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाओ कि मुझे क्या चीज़ें कहाँ के लिए लेनी है, दैट वुड बी ईजी और आप जल्दी से शॉपिंग भी कर पाओगे, कन्फ्यूज भी नहीं होगे। दैट्स अ प्रो टिप ना। सो दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट पार्ट ऑफ बंजारा मार्केट, लाइक जितना भी मैं घूमी ये सबसे अच्छा लगा मुझे, बिकॉज ये सारे बुद्धा की पिक्चर्स थी, वॉल हैंगिंग थे या फिर उनके स्टैचू थे जो एक्चुअल में बहुत प्रिटी लगते हैं, लाइक आप अपने ड्राॅइंग रूम, लिविंग रूम या फिर इवन आप अपने डाइनिंग टेबल कंसोल के ऊपर भी रख सकते हो तो भी बहुत सुंदर लगते हैं। वॉल हैंगिंग तो आप अपने एक पूरे ड्राॅइंग रूम में, मान लो पीछे बैक होते हैं जैसे सोफे के, उसके पीछे लगा सकते हो, बिकॉज हमारे घर पर है बुद्धा का पूरी पेंटिंग है एंड बुद्धा का पूरा स्टैचू है तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई वॉज अट्रैक्ट बाय दिस पार्ट, लाइक ये पीछे की साइड पर सब मिल रहा था। और पता है बेस्ट पार्ट क्या थी, ये ना बिल्कुल पुराने नहीं थे, लाइक नए लग रहे थे कि हाँ ये नए हैं, बट प्राइस तो हो मतलब प्राइस इतना हाई लगाया हुआ था, मैंने भैया से इतना बोला भैया इतना ही महंगा खरीदना होता तो हम तो प्रॉपर शोरूम पे जाते, आपके पास तो नहीं आते, बहुत मुश्किल से बहुत कम कर रहे थे। सो ट्राई योर लक पीपल, ट्राई योर लक। सो इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर सम टेबल्स लाइक मार्बल टेबल तो वो भी आपको मिल जाएंगे, 3K उसमें भी मिल जाएंगे, 2K उसमें भी मिल जाएंगे। इनका प्राइस एवरेज था, लाइक इतना महंगा भी नहीं था, इतना सस्ता भी नहीं था, सो आप अपने अकॉर्डिंगली बार्गेनिंग वगैरह करके परचेज कर सकते हो। और छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत ही, लाइक अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, आपके दिमाग में कन्फर्म है कि आपको क्या कैसे लेना है तो आप यहाँ जाके अच्छे से सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ वैसे ही जा रहे हो कि लाइक चलो लेके आते हैं कुछ ना कुछ, बंजारा मार्केट घूम के आते हैं, तो आप इतने कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको नहीं समझ आएगा क्या लेना है और कहाँ के लिए लेना है। Now let's come to the furniture and wooden items, like wooden की जो भी चीज़ें थी और furniture मैंने इस slide में add किया है। So यहाँ पर आपको सारा wooden का furniture मिल जाएगा, आपको already पता है drawers वगैरह वहाँ मिलते हैं, dining tables मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, so आप अपने according purchase कर सकते हो। like ये सारे boxes भी मिलते हैं, boxes makeup वगैरह jewelries वगैरह रखने के काम आते हैं। home decor का भी बहुत सारा था wooden में। ये वुडन के स्टूल्स, ये टेबल, इसका तो मतलब प्रॉपर एक टेबल था, अगर आपका छोटा सा गार्डन है, पार्क है घर के बाहर, तो आप वहाँ पे ये टेबल का पूरा सेट लेके रख सकते हो। अच्छा लगता है, इनकी क्वालिटी एवरेज थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, ये सारे वास थे, एज यू कैन सी ये पूरे वास हैं जितने भी गए हैं। तो अगर आपको वास चाहिए तो भी यू कैन ट्राई, एंड आपने देखा होगा भी वुडन में जो स्टैचू था
वो मुझे बहुत पसंद आया था, बट नहीं लिया बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत कुछ खरीद चुके हैं अपने घर के इंटीरियर के लिए। ये सारा डम लगाया हुआ था, लाइक आपको ये 10-10 रुपए में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, लाइक अपना नाम का नम वुड में लिखा हुआ। तो ये सारे टेबल्स वगैरह, स्टूल, ये सारी चीज़ें यूजुअली आपको मिल जाती हैं। सो यू कैन द स्टूल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आप साइड में यहाँ पे चारों स्टूल मिल जाएंगे, इसका बीच में ये, सो आप अपने पार्क, गार्डन, छोटी छोटी जगह पे रख सकते हो। ये था जो मुझे बहुत प्रिटी लगा, आई डोंट नो इस बर्ड को क्या कहते हैं, बट या आई मस्ट से जो कारपेट का प्राइस था ना, वो बहुत हाई था। लाइक कारपेट की वेराइटीज़ बहुत थी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपको हर एरिया, हर लेंथ साइज़ का मिल जाएगा, बट इन्होंने प्राइसेस बहुत हाई रखे थे। लाइक दे वर आस्किंग फॉर 4000 रुपीज़ एक कारपेट के लिए, एंड आई वाज लाइक 4000 रुपये का एक कारपेट, ओ माय गॉड, ये मैं अमेजोन से ले लेती, मतलब मैं घर पे बैठे ले लेती, इतनी दूर थोड़ी आती, बट बहुत महंगा बता रहे थे। सो आप कारपेट अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अगर आपको चीप लग रहा है, आपको लग रहा है कि वर्थ इट है 2000-3000 रुपीज़ देना, बिकॉज 4000 अगर आप बोल रहे हैं तो आप कितना ही बार्गेनिंग कर लोगे, हाफ कर लोगे, 2000 आई डोंट फील लाइक वो 2000 के वर्थ भी था। सो या, और ये सारे स्टूल आपको 1500 में टू, 1300 में टू, 2200 में टू, लाइक अपने अकॉर्डिंगली अपने प्राइस लगाते हैं, बट हाँ आप कम कर सकते हो। इस बार कुछ स्टूल थे जो थोड़े डिफरेंट थे, लाइक पहले के सिर्फ प्रिंटेड आते थे, बट इस बार थोड़ा अलग आया था जो मुझे अच्छा लगा और हैवी भी थे। सो अगर आपको ऐसे स्टूल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी मेरी कुछ फेवरेट चीज़ें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब लाइक मैं खरीद नहीं पाई, बट ये छोटी छोटी स्टोरेज हैं। अगर आपका, मैंने बताया ना, अगर आपका घर का थीम थोड़ा विंटेज है तो आप ये सारे ना परचेज कर सकते हो आपको चीप प्राइस में, और बहुत सारे लाइक ना बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट हमारे घर का थीम विंटेज बिल्कुल नहीं है तो मैं ये नहीं ले सकती थी। एंड इवन पता है नॉब्स थी, ये देख रहे हो आप, ये सारी नॉब्स हैं, लाइक ये आपको स्टोन की नॉब्स मिल जाएंगी, नॉर्मल डिज़ाइन की नॉब्स मिल जाएंगी, विंटेज वाला लुक देना है वो वाली नॉब्स मिल जाएंगी, तो नॉब्स में तो बहुत सारा था। एंड दीज लाइक ये सारे होम, मतलब हैंडमेड थे ये सारे, लाइक बैंगल से बना हुआ है पूरा बॉक्स, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस थे जो अलग अलग डिज़ाइन से बने हुए थे, तो मुझे वो बहुत प्रिटी लगे। इवन यहाँ पे कुछ हैंडमेड डायरीज भी थी, जैसे ये अगर आपको जनरल रखना पसंद है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, लाइक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बंजारा मार्केट में है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस, सो आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़, I'll be waiting. Bye.